आईफोन का न्यू अपडेट iOS 18% रिलीज हो चुका है, काफी सारे डिवाइस में मिल भी चुका है। मैंने जो है आपको एक वीडियो दिया था, इस चैनल पे अपलोड किया था, जिसमें आपको ये बताया था कि न्यू अपडेट जो आया है iOS 18%, सो इसमें आपको क्या क्या चेंजेस न्यू फीचर्स देखने को मिलेगा। इसमें तो काफी सारे चेंजेस हैं, लेकिन उनमें से मैं आपको 4 या 5 ही फीचर्स के बारे में आपको अच्छे से डिटेल से लाइव प्रूफ के साथ समझाया था। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे है iOS 18 करके फीचर्स, जो न्यू अपडेट आया है उसके बारे में वो वीडियो देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि क्या क्या चेंजेस आए। लेकिन गाइस ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये बीटा वर्जन पे है, iOS 18 वर्जन जो है ये बीटा वर्जन पे है। अगर आप अपने फोन पे इस अपडेट को इंस्टॉल करते हैं तो आपके फोन पे काफी सारे प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ लोग यानी जो है 5% लोग सिर्फ यहाँ पे इंस्टॉल कर चुका है, जिनके डिवाइस में मिला है वो इंस्टॉल कर चुका है और वो समझ लो बुरी तरीके से फंस चुका है। फंस इसलिए गया है क्योंकि जो है सही से उसका कॉलिंग जो है वो काम नहीं कर रहा है, एंड सही से वो गेम प्ले नहीं कर पा रहा है, एंड यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन जो इस्तेमाल करने के लिए वो ओपन करता है वो क्लोज हो जाता है। ओके, सो ये सब जो प्रॉब्लम आपको इसी से रिलेटेड काफी सारे और भी प्रॉब्लम जो है देखने को मिल सकता है अगर आप जो है इस न्यू iOS 18 वर्जन को अगर आप अपने फोन पे इंस्टॉल करते हैं तो। सो अगर आपके पास एक आईफोन है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपको अब जो है रेगुलर यहाँ पे जो भी अपडेट आ रहा है, जो फीचर्स है, उस सब के बारे में वीडियो आपको दूंगा। एक तो रहता है आपको यहाँ पे BSNL के सिम के बारे में बताता हूँ। सो iOS 18 वर्जन अभी आपको मिला है या नहीं, इसका साइज लगभग जो है 7 GB का या 8 GB का ऐसा ही कुछ होगा, अलग अलग डिवाइस में कुछ अलग अलग यहाँ पे साइज। सो आपके पास जो है आईफोन है उसमें जो है ये न्यू अपडेट मिला है या नहीं, और मिला है तो कितना साइज का है। सो अभी गाइस मैं आपको यही गाइड करूंगा कि ये जो अपडेट आपको जो मिला है बीटा वर्जन पे iOS 18 वर्जन, ये बिल्कुल अभी आपके फोन पे इंस्टॉल नहीं करना है। ओके, इस चीज को आपको बचना है, इस चीज को आपको समझना है। अगर आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपके फोन पे काफी सारा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग ऑलरेडी इस अपडेट को इंस्टॉल किए हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, सो उसके साथ उसके फोन पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम उसे देखने को मिल रहा है। कभी कॉल सही से नहीं कर पा रहा है, कभी कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहा है वो सही से ओपन नहीं हो रहा है, कभी गेम प्ले करना हो रहा है वो नहीं हो रहा है। सो इसी से रिलेटेड काफी सारे और भी इश्यूज आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस आई होप कि वीडियो काफी बड़ा है, बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव था, इसलिए मैंने आपसे ये वीडियो को शेयर किया। अब आपका फर्ज बनता है कि किसी और फोन को सेफली रखना का, इसके लिए क्या करना है, वीडियो को अपने इंस्टा, फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर कर देना है। शेयर करके जो लोग देखेगा वो बच पाएगा कि ये प्रॉब्लम जो आ रहा है ये अपडेट हमें इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं। सो गाइस आपको मिला है या नहीं कमेंट करके जरूर बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना नेक्स्ट अपडेट के लिए।